स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपका अपेक्स अकेडमी के ई पोर्टल में, जहां पर हमने जो अपना सब्जेक्ट सबसे पहले स्टार्ट किया है वीडियो लेक्चर के माध्यम से, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में हमने सबसे टिपिकल पार्ट सबसे पहले चूज़ किया है, जिसका नाम है मशीनिंग। तो मशीनिंग में अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं। अगर आपने अभी तक पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन लिंक्स को चेक कीजिए, जहाँ पर पिछले लेक्चर्स अवेलेबल हैं उन्हें देखिए, उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो बेसिकली हमने मशीनिंग के बारे में ये पढ़ा कि मशीनिंग का प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, और मशीनिंग में कौन कौन से टाइम इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि कौन किस किस टाइम की जरूरत पड़ती है टोटल मशीनिंग टाइम कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में देखा था कि किस तरह हमने मशीनिंग टाइम को कम किया था, ठीक है। तो वहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारे पास आया था, जिसे हम मटेरियल रिमूवल रेट का फार्मूला कहते हैं, ठीक है, जिसे हमने सिंपली कटिंग वेलोसिटी, फीड और डेप्थ ऑफ कट की मदद से निकाला था, ठीक है। अगर टोटल आरपीएम के भी लिए निकालना था तो टोटल मटेरियल रिमूवल जो निकालना था उसके लिए हमें क्या करना था कि जो आपका कटिंग वेलोसिटी है, फीड है, डेप्थ ऑफ कट है, उसके साथ साथ आप नंबर ऑफ आरपीएम की भी मल्टीप्लिकेशन कर दें, ओके। कुछ टर्म्स वहां पर निकल के आई थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जैसे कटिंग मोशन, फीड मोशन, डेप्थ ऑफ कट, ठीक है। तो इनके बारे में हमने थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया था, ओके। तो आज हम आगे बढ़ेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला अब हम देखेंगे कि मशीनिंग के टाइप कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ मशीनिंग, टाइप्स ऑफ मशीनिंग, ओके। अब टाइप्स ऑफ मशीनिंग जो होती हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला जो टाइप होता है, पहला ए पॉइंट, उसे हम कहते हैं कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल मशीनिंग, ओके। तो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल मशीनिंग का क्या मतलब है, इस चीज का क्या मतलब है, बेसिकली जो मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है कन्वेंशनली, जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, तो इनको हम कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल मशीनिंग से जो है मशीन करते हैं, ठीक है। तो इसमें जितने भी आपके लेथ ऑपरेशन या इसके अलावा ड्रिलिंग ऑपरेशन, जितने भी ड्रिलिंग ऑपरेशन होते हैं, और मिलिंग ऑपरेशन, इसके अलावा आपका शेपिंग ऑन शेपर एक मशीन का नाम है, ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, प्लेनिंग भी शेपर पर ही होती है, मिलिंग पर होती है, ऑन मिलिंग मशीन, ठीक है, एटसेट्रा, ग्राइंडिंग भी होता है इसमें, ग्राइंडिंग भी लिख सकते हैं आप, ग्राइंडिंग, ठीक है। तो ये जितनी भी ऑपरेशन है और इनके लिए जो मशीन टूल यूज होंगे उन्हें बेसिकली हम क्या कहेंगे, कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल मशीन, ठीक है, जो कि बहुत ही कॉमनली यूज्ड मटेरियल पे आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा टाइप जो है कन्वेंशनल, दूसरा जो टाइप है मशीनिंग का उसे देख लेते हैं, उसे हम कहते हैं अनकन्वेंशनल और नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग, ठीक है, अनकन्वेंशनल नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग, ठीक है। कुछ मटेरियल जैसे जैसे आप देखते हैं कि हमारा विकास हुआ है, वैसे वैसे हमने अलग अलग तरह के मटेरियल्स की खोज की है। तो कुछ मटेरियल्स ऐसे आए जिनकी मशीनिंग करना कन्वेंशनल मेथड से बहुत मुश्किल हो गया, ठीक है। इसमें एक मटेरियल का एग्जाम्पल देता हूं मैं, जैसे मटेरियल है सेरामिक या कहूं ग्लास,
एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे मटेरियल हैं जिन्हें कन्वेंशनल मेथड से यानी कि परंपरागत तरीकों से मशीन करना बहुत मुश्किल हो गया था। वो लेथ पर उनकी टर्निंग नहीं हो पा रही थी, ड्रिलिंग नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो इन्हें कहते हैं, ये जितनी भी तरह के मटेरियल हैं इन सबको क्या कहते हैं, इस तरह के मटेरियल जो है इन्हें कहते हैं डिफिकल्ट टू मशीन मटेरियल, डिफिकल्ट टू मशीन मटेरियल, यानी कि इन मटेरियल्स की मशीनिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है बाय कन्वेंशनल मेथड। तो जब इस तरह के मटेरियल की मशीनिंग करनी हो तब हम यूज करते हैं अनकन्वेंशनल या नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, इसके एग्जांपल होते हैं ईसीएम, ईसीएम आपने नाम सुना होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, EDM, इसका भी आपने नाम सुना होगा, सब थोड़ा बहुत तो इससे वाकिफ होंगे, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, अब्रेसिव जेट मशीनिंग, ठीक है, अब्रेसिव जेट मशीनिंग, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, ठीक, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग एटसेट्रा, बहुत सारी ऐसी हैं, ठीक है, बहुत सारी मशीनिंग ऐसी हैं जिनमें हम उन मटेरियल को मशीन करते हैं जिन्हें कन्वेंशनल मेथड से मशीन करना बहुत मुश्किल होता है। यानी कि कुछ ऑपरेशन, जैसे आपको सेरामिक पे टर्निंग ऑपरेशन करना है या कुछ उसमें होल बनाना है, तो हम इनमें से किसी मेथड का, किसी मशीनिंग का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो वो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन मशीनिंग के बारे में, किस किस टाइप की होती है, क्या क्या होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे आपको याद होगा, कि हमने कल तीन बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर पढ़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट तीन पैरामीटर पढ़े थे, ठीक है। ओके, तो कटिंग मोशन की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कटिंग मोशन या कटिंग वेलोसिटी आप वर्कपीस के इनिशियल डायमीटर और उसके आरपीएम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अब बात करूं कि कटिंग मोशन, एक्चुअली अब आपको याद होगा कि सर कटिंग वेलोसिटी भी कहते हैं, है ना, कटिंग वेलोसिटी भी कहते हैं, और जो वेलोसिटी होता है वो एक वेक्टर होता है, याद होगा आपको ये भी बात, है ना, आपने पढ़ा होगा वेक्टर, सदिश राशि जिसे कहते हैं, सदिश यानी कि वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, परिमाण तो होता ही होता है, साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो अगर मैं आप डायरेक्शन की बात करूं कटिंग वेलोसिटी की, मान लीजिए कटिंग टूल है, दिस इज योर वर्कपीस विच इज रोटेटिंग लाइक दिस, ठीक है। तो कटिंग वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी बीसी, इसे वेक्टर की फॉर्म में अगर मैं दिखाऊं, तो दिस विल बी द कटिंग वेलोसिटी डायरेक्शन। अब आप देख रहे हैं ये मुझे साइड व्यू में दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आप यहां चिप ले लीजिए, दिस इज चिप, तो ये चिप उतर रही है, तो कैसे उतर रही है, ये वर्कपीस इस कटिंग टिप के हिसाब से नीचे जा रहा है, देखिए नीचे जा रहा है, ठीक है। तो टूल वर्कपीस के हिसाब से ऊपर जा रहा होगा ना, है ना, रेस्पेक्टिवली अगर मैं देखूं कि ये पॉइंट इस कटिंग टूल के हिसाब से नीचे आएगा, ठीक है, और ये ये पॉइंट इस कटिंग टूल के हिसाब से नीचे आएगा और ये टूल इस पॉइंट के हिसाब से ऊपर जाएगा, ओके, तभी तो मटेरियल मूव होगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कटिंग वेलोसिटी वेक्टर, कटिंग वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। अब ये देख रहे हैं आप, हमें साइड व्यू से दिखाई दे रहा है, ठीक है, साइड व्यू से, ये हमें इधर से भी दिखा, अगर मैं इसे फ्रंट व्यू से देखूं तब भी मुझे दिखाई देगा, लेकिन जब मैं टॉप से देखूंगा, यानी कि जब मेरा कटिंग टूल ऐसे होगा, जब मेरा कटिंग टूल ऐसे होगा, ठीक है, ये वर्क पीस है आपका, ठीक है, मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, ये मेरा वर्क पीस है, ठीक है। तो तब मुझे कटिंग, अगर मैं इसे ऊपर से देखूंगा तो कटिंग वेलोसिटी वेक्टर मुझे दिखाई देगा एक पॉइंट की फॉर्म में, एक पॉइंट की फॉर्म में, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, यानी कि कोई चीज ऐसे है, ये कटिंग वेलोसिटी की डायरेक्शन है ऐसे। अब मैं अगर इसे ऊपर से टॉप से देखूंगा तो ये मुझे एक पॉइंट दिखाई देगा, तो वही पॉइंट मैंने यहां बना लिया, ठीक है, इसे मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ये, ठीक है। तो ये तो हुई डायरेक्शन की बात, कटिंग मोशन की फॉर्मूला आपको पता है कि कटिंग वेलोसिटी के फॉर्मूला क्या होता है, कैसे उसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कटिंग वेलोसिटी होती क्या है, ठीक है, तो मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूं, इसे आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ओके, बहुत सिंपल है, मैं पहले भी लिखवा चुका हूं, द रिलेटिव मोशन बिटवीन
कटिंग टूल एंड वर्कपीस, वर्कपीस को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। द रिलेटिव मोशन बिटवीन कटिंग टूल एंड वर्कपीस इज नथिंग बट कटिंग मोशन, इज नथिंग बट कटिंग मोशन, ओके। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म था अगर आपको याद हो, दैट वॉज फीड मोशन, फीड मोशन, ठीक है, फीड मोशन, जिसे हमने स्मॉल एफ से दिखाया था, ओके। अब फीड मोशन क्या था अगर आपके याद हो, मान लीजिए आपका ये कटिंग टूल है, दिस इज योर कटिंग टूल, ओके, ये वर्क पीस है, ठीक है। चलिए पूरा बना देता हूं ऐसे, ओके। तो आपको याद है कि जो आपने फीड मोशन दी थी वो इस डायरेक्शन में दी थी, ठीक है, दिस इज फीड, फीड मोशन या फीड कह सकते हैं, ओके। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, देखिए मटेरियल का ये जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, ओके, इसे कहते हैं अनकट पोर्शन, क्या कहते हैं इसे, अनकट पोर्शन, ओके, अनकट पोर्शन, ठीक है। तो व्हाट इज, अब यहां से मैं फील्ड मोशन की डेफिनेशन आपको दे सकता हूं, द अप्रोच वेलोसिटी ऑफ अनकट पोर्शन, ऑफ अनकट पोर्शन टुवर्ड्स टुवर्ड्स कटिंग टूल, ठीक है, यानी कि किस वेलोसिटी से ये अनकट पोर्शन इस कटिंग टूल की तरफ बढ़ रहा है, या इसका वाइस वर्सा उल्टा भी सही है कि किस वेलोसिटी से कटिंग टूल अनकट पोर्शन की तरफ बढ़ रहा है, तो उसे कहते हैं फीड मोशन, उसे क्या कहते हैं, फीड मोशन, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये दो इंपॉर्टेंट मोशन है, आपको मैं बता दूं कि इसे किसी किसी टेक्स्ट बुक में प्राइमरी मोशन भी कहते हैं, प्राइमरी मोशन, और फीड मोशन को कुछ बुक्स में हम सेकेंडरी मोशन भी कहते हैं, सेकेंडरी मोशन, ठीक है। तो हमने देखा कि दो तरह की मोशन इन्वॉल्व है मशीनिंग में, कटिंग मोशन, फीड मोशन, प्राइमरी मोशन भी कहते हैं और इसे सेकेंडरी मोशन भी कहते हैं। किसको कैसे समझाया है आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन तो फील्ड की ऐसी दिखाई देगी, और कटिंग वेलोसिटी की डायरेक्शन मैंने आपको तीनों व्यू में बता दी है, ठीक है, यानी कि फ्रंट व्यू में ऊपर की तरफ दिखाई देगी, टॉप व्यू में पॉइंट की फॉर्म में दिखाई देगी, और साइड व्यू से भी वो ऊपर की तरफ दिखाई दे सकती है, ठीक है। तो यहां से एक बहुत अच्छा कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गया कि कटिंग वेलोसिटी और फीड मोशन क्या होती है। नाउ अब अगले कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, अगला कंसेप्ट जो है हमारा वो हमें ये बताएगा कि हमें मोशन, कटिंग मोशन और फीड की मोशन की अगर मुझे डायरेक्शन पता है तो मैं ये बता सकता हूं किस तरह का आपका प्रोफाइल बनेगा, किस तरह का आपका सरफेस तैयार होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं, मान लीजिए ये आपका वर्क पीस है, ये चिप, ये इसे मैं थोड़ा सा रफ बना देता हूं ताकि आपको लगे, हाँ ये, ठीक है, मान लीजिए ऐसा है, दिस इज एंड दिस इज योर कटिंग टूल, इसे जैसे चीजल होती है ना, चीजल देखा होगा आपने, चीजल होती है, इस टाइप से एक चीजल बना दिया, ठीक है, चीजल बना, समझ में आ गई, ठीक है। तो ये आपका वर्क पीस है, ये आपका फिनिश्ड सरफेस है, ओके, ये आपकी चिप है, तो मैं इनके नाम लिख दूं, दिस इज चिप, दिस इज वर्क पीस एंड दिस इज कटिंग टूल, दिस इज कटिंग टूल, ओके। तो आप देख रहे हैं कि जो कटिंग टूल है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू वर्क पीस, यानी कि वर्क पीस के रेस्पेक्ट में इधर, अगर वर्क पीस को देखो टूल के रेस्पेक्ट में तो वर्क पीस इधर जाएगा, यानी कि जब टूल ऐसे चलेगा तो
तो टूल तो वर्कपीस के रेस्पेक्ट में ऐसे जाएगा और वर्कपीस टूल के रेस्पेक्ट में इधर जाएगा, तो किसी एक को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम कटिंग मोशन से। तो दिस इज कटिंग मोशन और कटिंग वेलोसिटी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कटिंग वेलोसिटी रेक्ट लीनियर है, एक रेखीय है, ठीक है। यहां पर जो कटिंग मोशन है, हियर कटिंग मोशन इज रेक्ट लीनियर, ठीक है, एक रेखीय जिसे कहते हैं रेक्ट लीनियर। तो आप नोटिस करेंगे कि फ्लैट सरफेस तैयार हो रहा है, यानी कि अगर किसी चीजन से आप किसी लकड़ी के गुटके को ऐसे हथौड़ा मारकर उसमें से मटेरियल चिप रिमूव करेंगे तो आप देखेंगे फ्लैट सरफेस तैयार होगा, ठीक है। तो कटिंग मोशन रेक्टिलिनियर है तो आपको समझ में आएगा आपका किस तरह का सरफेस बनेगा, फ्लैट सरफेस बनेगा। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपका ये वर्कपीस है, ठीक है, और ये आपका कटिंग टूल है, आपका कटिंग। तो अब आपको याद है मैं एनआरपीएम ऐसे दे रहा था, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि जो आपकी इनपुट मोशन है वो कैसी है, सर्कुलर। तो आपकी इनपुट मोशन कैसी है, सर्कुलर, और ये आपकी फील्ड मोशन है, फील्ड मोशन, ठीक है। तो इनपुट मोशन आपकी सर्कुलर है और ये आपकी फील्ड मोशन है। तो आप देख रहे हैं कि इस स्थिति में हर हालत में जो प्रोडक्ट है वो सिलेंड्रिकल ही बनेगा, हर हालत में सिलेंड्रिकल ही बनेगा, यानी कि जब आपकी ये मोशन सर्कुलर है, ठीक है। तो आप नोटिस करेंगे कि जो कटिंग सॉरी जो प्रोफाइल तैयार होगा वो सिलेंड्रिकल ही तैयार होगा, ठीक है। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि आप देख के बता सकते हैं, कटिंग मोशन, फील्ड मोशन, इन सबको देख के बता सकते हैं कि किस तरीके से आपका सरफेस तैयार होगा, ठीक है। अब इससे संबंधित एक कंसेप्ट होता है जो मैं आपको अब समझाऊंगा, दो चीजें होती हैं, पहली जेनरेट्रिक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स, ओके, जेनरेट्रिक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स। अब ये क्या चीज है, देखिए जेनरेट्रिक्स जो है वो संबंधित होता है कटिंग मोशन से, वो किससे रिलेटेड है, कटिंग मोशन से, और जो डायरेक्ट्रिक्स है वो संबंधित होता है फीड मोशन से, फीड मोशन से। अब इन दोनों को आप एनालाइज करके बता सकते हैं किस तरह का सरफेस बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए दिस इज जेनरेट्रिक्स जी और दिस इज डायरेक्ट्रिक्स डी, यानी कि कटिंग टूल को इधर मूव होना है और जेनरेट कौन सा प्रोफाइल होना है, ये वाला। तो आप नोटिस करेंगे किस तरह का प्रोफाइल बनेगा, रेक्टेंगुलर, यानी कि अगर ये वाली लाइन ऐसे मूव कर जाए, इस डायरेक्शन में मूव कर जाए जी, तो एक फ्लैट सरफेस तैयार होगा। कौन सा सरफेस तैयार हुआ, फ्लैट सरफेस, ठीक है, बात समझ में आई। इसी तरीके से मान लीजिए ये डायरेक्ट्रिक्स है और जेनरेट्रिक्स आपका ये सर्किल है, ठीक है, ये आपका सर्किल हो गया जेनरेट्रिक्स, ये हो गया आपका। तो अगर अब ये सर्किल को आप मूव करा देंगे इस डायरेक्ट्रिक्स पे, आगे बढ़ा देंगे, तो आप नोटिस करेंगे आपका एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट तैयार हो जाएगा या नहीं, ठीक है। तो ये आपका सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट तैयार हो गया, सिलेंड्रिकल सरफेस तैयार हो गया, ठीक है। इसी तरीके से और एग्जांपल भी हम देख सकते हैं, जैसे जैसे मान लीजिए ये आपका जेनरेट्रिक्स है और ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, बात समझ आई। यानी कि अगर इस प्रोफाइल को, इस जेनरेट्रिक्स को मैं इस डायरेक्ट्रिक्स पर मूव करा दूं, तो आप नोटिस करेंगे आपका इस तरह का
एक प्रोफाइल तैयार हो जाएगा, इस तरह का एक प्रोफाइल तैयार हो जाएगा। समझ रहे आप? तो यानी कि इसे ऐसे मूव कराना है। तो जब प्रोफाइल बनेगा कैसा बनेगा? ऐसे ही तो बनेगा, ठीक है। तो इस बातों से आपको पता चल गया कि जनरेट्रिक्स और डायरेक्ट्रिक्स अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं किस तरह का प्रोफाइल तैयार होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था आपका किसके बारे में? जनरेट्रिक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बारे में, ठीक है। यानी कि किस तरह का प्रोफाइल हम तैयार करेंगे। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे कि जो आगे हम देखेंगे, अब हम देखेंगे बेटा टूल, कटिंग टूल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है कटिंग टूल, वो टॉपिक है हमारा कटिंग टूल, कटिंग टूल। ओके, कटिंग टूल। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कटिंग टूल जो होते हैं वो कितनी प्रकार के होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के कटिंग टूल। ओके, तो कटिंग टूल के बारे में अब हम देखेंगे कि कटिंग टूल कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो कटिंग टूल है वो कहलाता है सिंगल पॉइंट, ठीक है, कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ठीक है। एक चीज अभी आपको क्लियर कर देना चाहूंगा, व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट। यहां पर पॉइंट का क्या मतलब है? पॉइंट का मतलब होता है कटिंग एज, कटिंग एज, ठीक है, कटिंग एज। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, कौन कौन से होते हैं एग्जाम्पल। जैसे आपका टर्निंग टूल होता है, टर्निंग, टर्निंग टूल, थ्रेड, कटिंग टूल, ठीक है, शेपर या प्लेनर टूल, शेपर या प्लेनर टूल, ठीक है, बोरिंग टूल, बोरिंग टूल, ठीक है। किस किस टूल का क्या फंक्शन है, कहां पर यूज होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो बोरिंग टूल, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। दूसरा जो कैटेगरी है कटिंग टूल की वो होती है टू पॉइंट कटिंग टूल, टू पॉइंट कटिंग टूल, टू पॉइंट कटिंग टूल। अब टू पॉइंट कटिंग टूल यानी कि यहां पर कितनी कटिंग, यहां पर कितनी कटिंग एज है, सिंगल यानी कि एक, यहां पर कितनी कटिंग एज होंगी, दो, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मेनली सबसे ज्यादा हम देखेंगे भी, ड्रिलिंग बिट या सिंपली ड्रिल बिट भी कहते हैं, ड्रिल बिट। ओके ओके, तीसरी जो कैटेगरी है हमारी, ठीक है, जो तीसरी कैटेगरी है वो हमारी है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग। अब मल्टी पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है इस बात को समझ लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल यानी कि अब कटिंग एज कई होंगी, ठीक है। तो इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल है जैसे मिलिंग कटर, मिलिंग कटर, ठीक है, रीमर्स, ठीक है, टैप्स और ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग व्हील, ओके, ग्राइंडिंग व्हील एटसेट्रा। और भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि यही है सिर्फ, और भी होते हैं, ठीक है। जैसे हॉब्स, एक होता है हॉब्स, ठीक है, हॉब्स, इनका इस्तेमाल जो है गियर बनाने में होता है, हॉबिंग मशीन में, ठीक है। तो हमने देख लिया कि कटिंग टूल जो है कितनी तरह के, सिंगल पॉइंट यानी कि सिंगल कटिंग एज वाले, जिसमें हम टर्निंग कह सकते हैं, थ्रेड कटिंग, स्लॉटर, शेप, शेपर, प्लेनर टूल, बोरिंग टूल एटसेट्रा, बहुत सारे हैं। टू पॉइंट कटिंग टूल में हमारा ड्रिलिंग बिट, ड्रिल बिट सबसे अच्छा एग्जाम्पल है।
मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के लिए हमारे मिलिंग कटर हो गया, रीमर हो गया, ग्राइंडिंग व्हील हो गया, टैप्स हो गए, हॉब्स हो गए, एटसेट्रा, बहुत सारे कटिंग टूल है, ठीक है। तो ये था कटिंग टूल का स्पेसिफिकेशन। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम देखेंगे कि कटिंग टूल दिखता कैसा है, जिसे हम कह देते हैं नॉमेनक्लेचर, नामकरण। कटिंग टूल, एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का हम देखेंगे कि वो दिखता कैसे है, ठीक है। तो ये हम अब आगे जानेंगे, ठीक। तो अब करना क्या है बच्चों, तो अब हम देखेंगे कि कटिंग टूल को 3D में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि कटिंग टूल को 3D व्यू में देखने पर वो कैसा दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक 3D डायग्राम बनाया है कटिंग टूल का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कटिंग टूल के कुछ पोर्शन हैं, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फेसेस हैं, जो हमें याद होने चाहिए कि कैसे, कहाँ पर उनकी पोजिशन है, कैसे है, ठीक है। तो कटिंग टूल का ये जो पोर्शन है, जो कि टूल पोस्ट पे, यानी कि लेथ का जो टूल पोस्ट होता है, जिसमें आपको क्लैंप करना होता है कटिंग टूल को, तो कटिंग टूल को जब हम क्लैंप करते हैं लेथ के टूल पोस्ट पे, तो वो हिस्सा जो क्लैंप होता है वो कहलाता है शैंक। ओके, तो दिस इज शैंक। ओके, ये आपका कटिंग पोर्शन है, कटिंग टूल पोर्शन है एक्चुअली, यहीं से आपकी कटिंग होती है मेनली, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इस कटिंग पोर्शन में कि ये जो सबसे ऊपर वाला फेस है, इसे हम कहते हैं रेक फेस। क्या कहते हैं इसे? रेक फेस। ओके, और ये इधर वाला जो फेस होता है, इसे हम कहते हैं एंड रिलीफ या एंड फ्लैंक या एंड क्लियरेंस फेस, ठीक है। कुछ बुक्स में से ऑक्सिलरी फ्लैंक फेस भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि सामने का जो हिस्सा होता है, ये साइड का जो हिस्सा है, ये साइड वाला जो पोर्शन है, इसे हम कहते हैं साइड रिलीफ, साइड फ्लैंक या साइड क्लियरेंस फेस, ठीक है। इसे हम प्रिंसिपल फ्लैंक फेस भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि मुख्य जो आपका फ्लैंक फेस है वो ये है, ये आपका एंड है, ठीक है। नाउ अब नोटिस कीजिए आप, ये आपका जो पोर्शन है यहां से यहां तक का, ये पूरा पोर्शन ये कटिंग एज होती है, ठीक है। कटिंग एज होती है, और ये जो कटिंग एज होती है, ये दो हिस्सों में होती है, यानी कि कटिंग एज के दो हिस्से होते हैं, कटिंग एज, एक तरह से मैं धार कह सकता हूं, धार के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा कहलाता है बेटा आपका साइड कटिंग एज। तो यानी कि ये यहां से यहां तक एक ही कटिंग एज है, लेकिन जब इसका ये पोर्शन देखूंगा तो कहलाएगा साइड कटिंग एज, और जब ये वाला पोर्शन देखूंगा यहां से यहां तक का, तो कहलाएगा एंड कटिंग एज। ओके, वैसे बेसिकली हम इसे कटिंग एज कहते हैं, ये पूरी एक ही होती है, ठीक है। और इसी कटिंग एज के एक होने की वजह से हम इसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ओके, क्योंकि सिंगल कटिंग एज है इसलिए सिंगल पॉइंट कहलाता है। ओके, सिंगल कटिंग एज, सिंगल पॉइंट। तो ये हो गई आपकी एंड कटिंग एज और ये हो गई आपकी साइड कटिंग एज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, मैं फिर से बता देता हूं। टॉप सरफेस क्या कहलाएगा? रेक सरफेस। एंड पे ये जो होगा, ये कहलाएगा आपका एंड रिलीफ, एंड फ्लैंक या एंड क्लियरेंस फेस, जिसे हम ऑक्सिलरी फ्लैंक फेस भी कहते हैं। ये साइड वाला जो होगा आपका, ये कहलाएगा साइड रिलीफ, साइड फ्लैंक या साइड क्लियरेंस या प्रिंसिपल फ्लैंक फेस, ठीक है। कटिंग एज पूरी एक होती है, इसलिए इसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहते हैं। अब इस कटिंग एज को दो हिस्सों में हम देख सकते हैं, एक ये वाला पोर्शन जो होगा, यानी कि ये वाला पोर्शन यहां से यहां तक का पोर्शन कहलाएगा आपका एंड कटिंग एज, और यहां से यहां तक का पोर्शन कहलाएगा साइड कटिंग एज। बात समझ में आ गई? अब देखिए यहां पर ये जो टिप होती है, इसे हम कहते हैं कटिंग टिप, यानी कि जो पोर्शन होता है, इसे हम कहते हैं कटिंग टिप, कटिंग पॉइंट या नोज। ओके, ठीक है। तो एक ओवरव्यू दे दिया है मैंने आपको 3D का, अब मैं आपको इसे एक मॉडल की मदद से बताता हूं कि कौन सी चीज कहां है। ओके, दिस इज द मॉडल ऑफ कटिंग टूल। ये आपका एक वुडन का कटिंग टूल का मॉडल है, ठीक है। तो इसमें आप नोटिस करेंगे, ये हिस्सा जो है, दिस पोर्शन इज शैंक, ठीक है। अब देखिए ये वाला सरफेस ऊपर वाला, ये इसे हम कहते हैं रेक फेस, दिस इज द रेक फेस, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है। अच्छा, अब ये एंड फ्लैंक फेस कौन सा हुआ? ये वाला, आप समझे मेरी बात, दिस इज द एंड फ्लैंक फेस। ओके, साइड फ्लैंक फेस जो है आपका, यहां से देखिए साइड फ्लैंक फेस, साइड रिलीफ, वो ये होता है, ठीक है। तो रेक फेस, एंड फ्लैंक, साइड फ्लैंक, आप मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो रेक फेस, एंड फ्लैंक, साइड फ्लैंक,
बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। नाउ दिस इज द कटिंग एज, ये यहां से इधर से देखिए ये और ये पोर्शन, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये दोनों मिलके एक ही कटिंग एज है, और इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। एक कटिंग एज, सिंगल पॉइंट, ओके। तो ये पोर्शन जो है कटिंग एज का, ये वाला आगे वाला, ये जो आगे, ये क्या कहलाता था, एंड कटिंग एज, यहां से यहां तक का, बात समझ में आई। और यहां से यहां तक का जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, इस हमने क्या कहा था, साइड कटिंग एज, तो दिस इज साइड कटिंग एज। तो रैक फेस को अगर मैं ध्यान से देखूं, तो ऐसे अगर मैं देखूं रैक फेस को, तो ये हो गई एंड कटिंग एज और ये हो गई साइड कटिंग एज। ओके, नाउ अब इस कटिंग टिप की बात करता हूं मैं, कटिंग टिप की, तो ये जो पोर्शन है देखिए, ये पोर्शन जो है ये वाला आगे का, इसे कहते हैं कटिंग टिप। क्या कहते हैं इसे, कटिंग टिप। तो मैं फिर से बता देता हूं कि ये जो पोर्शन है ये वाला, इसे कहते हैं हम कटिंग टिप। तो ये जो चीज होगी वो ये हो गई कटिंग टिप, ठीक है। तो आपने देखा दिस इज शैंक, ये पूरा शैंक है यहां, ठीक है, दिस इज शैंक, ये कटिंग पोर्शन हो गया। अब कटिंग पोर्शन में ये टॉप सरफेस कौन सा हुआ, रैक फेस, ये वाला, ठीक है, ये एंड फ्लैंक हो गया, ये आपका साइड फ्लैंक हो गया, एंड फ्लैंक और साइड फ्लैंक, एंड फ्लैंक यहां से दिखाई देगा, साइड फ्लैंक यहां से दिखाई देगा, ओके। ये आपका एंड कटिंग एज, ये साइड कटिंग एज, लेकिन ये है एक ही कटिंग एज, इसलिए इसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहते हैं, ठीक है। तो जहां तक मुझे अंदाजा है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी इस 3D मॉडल का जो वुडन मॉडल है, इसका अभी हम और एनालाइज करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें अगले लेक्चर में जाना होगा, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर बेटा आपको लेक्चर पसंद आया, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इसे अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस चीज का बेनिफिट उठा सके, ठीक है। बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में और लेक्चर आपके पास आने वाले हैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।